हेलो फ्रेंड, अभी अब पिछले टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रतिबिंब रचना के नियम। ये प्रतिबिंब रचना का नियम चारों प्रकार के प्रकाशीय यंत्र अर्थात उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, चारों के लिए ये एक समान रूप से कार्य करता है। प्रतिबिंब रचना का नियम का तात्पर्य यह है कि किसी भी दर्पण में या किसी भी लेंस में प्रकाश की किरण किस दिशा से आपतित हो तो वो किस दिशा में परावर्तित होगी। और इसको पढ़ने का मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि प्रतिबिंब रचना के नियम जो समतल दर्पण में हमने लिखा था कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरणें, कम से कम दो प्रकाश की परावर्तित या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काटे। चूंकि एक वस्तु से तो अनगिनत प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं, अब उन अनगिनत किरणों में से हमें केवल दो प्रकार की किरणों को लेना है कि उन दो किरणों में वो जो दो किरण है वो किस तरीके से किसी दर्पण या किसी लेंस की ओर जाएंगी, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात उनका व्यवहार क्या होगा, उसे हमें देखना है। और उन्हीं दो किरण का प्रयोग करते हुए हमें प्रतिबिंब रचना को समझना है। प्रतिबिंब रचना के जितने भी नियम हैं, प्रतिबिंब रचना के जितने भी स्थिति हैं, उन सभी स्थितियों के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो प्रतिबिंब रचना का नियम यह कहता है कि इस नियम को मैं अवतल दर्पण के सापेक्ष में बताने की कोशिश कर रहा हूं, मगर ये नियम उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस सभी के लिए एक समान है और कार्य करते हैं। हमने मान लो कि हमने लिया इस प्रकार से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण लिया, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पे इस प्रकार से मुख्य अक्ष हमने खींच लिया। इस मुख्य अक्ष पर, इस बिंदु पर हमारे पास ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ और ये जो बिंदु है ये हमारा फोकस है। नियम क्या क्या कहता है? पहला नियम हमारा कहता है कि यदि यह कोई वस्तु है हमारे पास, पहला नियम यह कहता है कोई भी किरण, कोई भी प्रकाश की किरण जो वस्तु से निकल रही है और मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होते हुए दर्पण से टकराती है, अर्थात कोई भी प्रकाश की किरण जो आपतित किस तरीके से हो रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है, तो परावर्तन पश्चात यह हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम है। पहला नियम, यदि इस नियम को हम इस प्रकार से एक छोटे से टेबल के रूप में यदि स्टडी करने की कोशिश करें तो हमें क्या होगा, ये आपतित किरण की बात करते हैं और यहाँ परावर्तित किरण की बात हो रही है। आपतित किरण, पहला आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो परावर्तित किरण कहां से ऊपर जाएगी, फोकस से। परावर्तित किरण कहां से ऊपर जाएगी, फोकस से ऊपर जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि आपतित किरण फोकस से होकर आती है उस स्थिति में परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। इस तरीके से अर्थात दूसरा नियम क्या था, पहला नियम यह है आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो परावर्तित किरण फोकस से होकर जाएगी, तो दूसरा नियम इसका रिवर्स है। आपतित किरण यदि फोकस से होकर आती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ये दो नियम हुआ। तो दूसरे नियम पर क्या है, यदि फोकस से होकर आए तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाए, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर आए तब क्या होगा? देखिए, ये आपतित किरण कहां से होकर आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर। अब हमें एक बात मालूम है कि वक्रता केंद्र से मिलने वाली रेखा इस बिंदु पर खींची गई समतल रेखा के हमेशा लंबवत होती है, अर्थात कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार किसी दर्पण पे, यदि ये हमारा अभिलंब है, कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के परितः
ही यदि आपतित हो तो इसका परावर्तन भी उसी दिशा में ही होगी, क्योंकि आपतन कोण का मान शून्य होगा तो परावर्तन कोण का मान भी शून्य होगा। अभिलंब के समानांतर यदि या अभिलंब के ऊपर ही या अभिलंब के ही कोलिनियर कोई किरण आपतित होती है तो आपतन कोण का मान शून्य, अतः परावर्तन कोण का मान भी शून्य होगा। तो सेम एक्टिविटी यहां भी परफॉर्म होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है अर्थात अभिलंब के परितः यदि आपतित हुई तो इसका परावर्तन भी अभिलंब के परितः ही होगा अर्थात सी से ही होकर ये वापस जाएगी। तो तीसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण यदि सी से होकर आती है, सी अर्थात वक्रता केंद्र से, तो इसका परावर्तन भी कहां से होगा, वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगा। यह तीसरा नियम है। और चौथा नियम ये कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण जो ध्रुव पर आपतित हो इस तरीके से, तो ध्रुव के पास ये जितना आपतन कोण बनाते हुए आया, क्योंकि ये ध्रुव पर मुख्य अक्ष वाली जो रेखा है ये इस बिंदु पर एक अभिलंब के जैसे कार्य करता है, इसलिए इस किरण का लिए ये आपतन कोण हुआ। इस तरीके से ये उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए ये प्रकाश की किरण इस बिंदु से वापस चला जाएगी। अर्थात यदि आपतन आपतित किरण ध्रुव पर हो तो परावर्तन क्या होगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए ये किरण परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से प्रतिबिंब रचना के नियम में ये चार मुख्य बातें हैं। चार मुख्य बातों में पहली बात यह है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो परावर्तित किरण फोकस के समानांतर होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आपतित किरण फोकस से होकर जाए तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर। तीसरी मुख्य बात, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तो परावर्तित किरण वक्रता केंद्र की ही दिशा में विपरीत चली जाएगी। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपतित किरण ध्रुव पर आए तो जितना आपतन कोण बनाते हुए आएगी उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए यहां से वापस चले जाएगी। तो कोई भी वस्तु से ऐसे तो अनगिनत प्रकाश की किरणें निकलती हैं, मगर इन अनगिनत प्रकाश की किरणों में ये चार प्रकार की किरण है जो किसी एक निश्चित बिंदु की तरफ से होकर जाती है, तो उनका एक निश्चित पैटर्न है कि वो किस तरीके से परावर्तित होकर वापस जाएंगे। इन्हीं चार किरणों में से किन्हीं भी दो किरण का प्रयोग करते हुए हम प्रतिबिंब रचना के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रतिबिंब रचना की जो स्टडी होगी वो अगले क्लास में होगी। धन्यवाद।